दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज चरम चूक रोल प्ले के बारे में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें। कहानी की शुरुआत होती है आकाश और पायल से। आकाश एक टीवी एक्टर है और पायल एक कुक हाई प्रोफाइल शेफ। कहने को तो लाइफ में सब कुछ है, लेकिन 5 साल की रोमांटिक रिलेशनशिप और 4 साल की इस शादी में इनकी ज़िंदगी फीकी पड़ गई है। रोमांस तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। आज भी ये दोनों रोमांस करने की असफल कोशिश करते हैं, लेकिन आपस में झगड़ बैठते हैं। दोनों को ही एक दूसरे से बोरनेस महसूस होती है और एक दूसरे को डिवोर्स देने की भी धमकी देते रहते हैं। लेकिन दोनों ही अपने इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं, इसीलिए सलाह लेने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इन्हें कहता है 9 साल के रिलेशनशिप में एक दूसरे से बोर हो जाना कोई आम बात नहीं है। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपकी शादी से बोरनेस भी खत्म हो जाए और बाकी सारी खुशियां भी वापस आ जाए। इन्हें लगता है कि डॉक्टर कह रहा है इन्हें एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर के बारे में। आकाश कहता है मैं पायल को किसी और के साथ नहीं देख सकता और पायल तो पहले से ही मेरे करियर को लेकर इनसिक्योर रहती है और कभी कभी तो बेवजह ही मेरे ऊपर शक करने लगती है। हम दोनों से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, मैं एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको रोल प्ले करने के लिए कह रहा हूँ। कि आपने कभी रोल प्ले के बारे में सुना है? एक बार रोल प्ले करके देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी। इन्हें अब भी डॉक्टर की बातें समझ नहीं आई, लेकिन ये दोनों अपने रिश्ते को आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। इनके रोल प्ले की शुरुआत होती है, पायल सक्कू बाई बनकर घर में काम कर रही है और आकाश अखबार पढ़ रहा है। बाई को कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए और बदले में साहब को प्यार की घुट्टी चाहिए। सक्कू बाई किचन में चाय बना रही है और साहब किचन में आकर सक्कू बाई के ऊपर टूट पड़ते हैं और दोनों में चरम चूक लौट आता है। आकाश अब डॉक्टर को कॉल करके थैंक्स कहता है। डॉक्टर कहता है एक बार से कुछ नहीं होगा, 6 महीने आपको ये कंटिन्यू रखना होगा जिससे कि आपका प्यार वापस लौट आएगा। अब इन दोनों में हर रोज रोल प्ले होता है, हर बार ये एक अलग किरदार निभाते हैं और रोमांस करते हैं। अब यूं ही 6 महीने बीत गए हैं, पायल प्रेग्नेंट हो गई है। पायल ये गुड न्यूज़ सबसे पहले आकाश को देना चाहती है, लेकिन आकाश को तो अब भी रोल प्ले ही करना है और वो अब भी रोल प्ले ही करता है। वो पायल की बातों पे ज़रा भी ध्यान नहीं देता है, जिस पे कि पायल उसे डांटती है कि मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ और तुम ये नौटंकी में लगे हुए हो। वो गुस्से में से एक थप्पड़ मार कर वहां से चली जाती है और कहती है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो इस रिपोर्ट को देख लेना। और इसके जाने के बाद वो रिपोर्ट खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि वो पिता बनने वाला है। और तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है, तब वो डॉक्टर को गाली सुना देता है और कॉल काट देता है। उसे लगता है कि ये सब डॉक्टर की वजह से हुआ है और यहीं पर इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।